सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज देख सकते हो, आज जो है बजरंगबली का ड्राइंग का, जो हनुमान जी का जो ड्राइंग है, इसका जो है पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वाले वीडियो में मैंने जो है इसका फुल आउटलाइन ट्यूटोरियल आपको सिखाया था, ठीक है। तो उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद उसको जाके देख लो, ठीक है। तो आज के वीडियो भी अपन मैं फुल शेडिंग ट्यूटोरियल दूंगा फेस का। तो वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते रहो आप। एट फर्स्ट आप जब इस टाइप का कोई ड्राइंग कर रहे हो, जो हमारा जो पोर्ट्रेट वाला ड्राइंग होता है, कोई भी फेस, ऐसा हनुमान जी हो गया और या कोई ह्यूमन ह्यूमन फेस जो भी होगा, ठीक है, आपको जो है लेयर वाइज शेडिंग करते जाना है, ठीक है। मैं हर एक वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ। देख सकते हो, यहाँ पर मैं जो है पहले यहाँ पर मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, HB पेंसिल से पहले एक लेयरिंग दे रहा हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पर डार्क दिख रहा है फोटो को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले ही आपको जब आप लेयर दे रहे हो ना, एक फर्स्ट लेयर, तो अब आपको जो है पहले आपको देख लेना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर डार्क है, कहाँ कहाँ पर लाइट है। उसके बाद फर्स्ट लेयर देने के बाद मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश से। ब्रश का यूज़ किया हूँ मैं यहाँ पर, और टिश्यू पेपर और कॉटन का यूज़ किया हूँ, और इससे मैं उसको जो है ब्लेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप 4B पेंसिल पहले यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरा जो है 4B पेंसिल जो ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं 6B यूज़ कर रहा हूँ। 6B के बाद 6B को मैंने ब्लेंड कर दिया। और आपको जो है पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना है, पेंसिल के टिप को बिल्कुल शार्प रख के ड्राइंग को करना है, ठीक है। तो सेम एज हम जो है दूसरे आई को भी ऐसे ही करना है। पहले आपको लेयरिंग दो, आपको जो है लाइट टू डार्क आना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप ब्लेंडिंग करोगे या जितना अच्छे से आप लाइट टू डार्क आओगे कोई भी पोर्ट्रेट में, आपका ड्राइंग बिल्कुल एक्सीलेंट बनने वाला है, ठीक है। तो देखते रहो वीडियो को, मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आगे बताते जाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर भी मैं जो है सेम प्रोसेस का यूज़ किया हूँ। पहले HB, उसके बाद 6B, उसके बाद मैं 10B से जो आई बॉल है वहाँ पर मैं शेडिंग कर रहा हूँ। और इरेजर के लिए यहाँ पर जो है मैं जो है डोम्स का जो मेक्नो इरेजर होता है उसका मैं यूज़ किया हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पर निडेबल इरेजर का यूज़ करके जो लाइट पोर्शन जो हमको करना होगा उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पर आपको पहले जो है आपको आपका पेंसिल का टिप को जो आपको शार्प रखना है। जितना आप पेंसिल के टिप को शार्प रखोगे उतना आपका शेडिंग अच्छा होगा। तो देख सकते हो हमारे जो हनुमान जी का फोर हेड में भी हम सेम टू सेम, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपको लाइट टू डार्क जाना है, लेयर वाइज जाना है, लेयर वाइज आपको जाना ही है, ठीक है। पहले आप फोटो को ऑब्जर्व करो कि कहाँ पर कौन सा कैसा डार्क है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर डेप्थ है, ठीक है। उसको देख कर शेडिंग करो, जहाँ जहाँ पर डेप्थ है वहाँ वहाँ पर जो है डार्क करो HB से ही, ठीक है। जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, देख सकते हो फोर हेड में भी मैं पहले जो है 6B चला रहा हूँ, उसके बाद ऊपर ऊपर से जो है यहाँ पर मैं जो है 10B को थोड़ा बहुत चलाया हूँ, ठीक है। 6B तो डार्क ही होता है वैसे भी, तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर।
गाइस यहाँ पर और एक मैटर आ जाता है जो आईब्रोज होते हैं। आईब्रोज के लिए पहले मैं यहाँ पर जो है HB पेंसिल को अप्लाई कर रहा हूँ हेयर की डायरेक्शन में, जहाँ जहाँ पर जिस डायरेक्शन में हमारा आईब्रोज है। उसके बाद HB को जो है ब्लेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद उसके ऊपर 6B दे रहा हूँ। 6B के ऊपर मैं उसको ब्लेंड करते हुए उसके ऊपर मैं 10B को अप्लाई कर रहा हूँ। 10B को अप्लाई करने पे हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो है ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डार्क हो रहा है और बिल्कुल ये जो हेयर वाला पोर्शन या जो आईब्रोज होता है ना, इसको जो है आपको बिल्कुल एकदम टिप को एकदम फाइन टिप रखना पड़ेगा, आपको बिल्कुल शार्प रखना पड़ेगा। उससे ही आपका जो है ड्राइंग का जो ये वाला आईब्रोज है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, रियलिस्टिक दिखेगा। और इसको और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पर मैं जो है इरेजर को कट कर लिया हूँ और यहाँ पर जो हमारा हनुमान जी का जो तिलक है, तिलक को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है ब्रश पेन का यूज़ किया हूँ ऑरेंज वाला, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगेगा। सो गाइज़, आपको इस टाइप को ड्राइंग करने के पहले जो आपको जो है यहाँ पर कहाँ कहाँ पर शेडोज़ दिख रहा है आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये कैसा है आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ पर जो है शेडो है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे तरीके से आपको ड्राइंग को करना पड़ेगा, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से ही मैं ड्राइंग को कंप्लीट करूँगा। और गाइज बीच बीच में मैं हाईलाइट के लिए यहाँ पर मैं जो है जेल रोल पेन का यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो कैसा हो रहा है हमारा ड्राइंग। तो गाइस इसके बाद जो है पार्ट थ्री आएगा इसका जो है हेयर वगैरह होगा उसमें फाइनल मैं दिखाऊंगा कैसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ड्राइंग अभी कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है, और थोड़ा बहुत बाकी है। तो इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ड्राइंग कैसा हुआ है अभी तक भी वो मुझे बताना, ठीक है। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। We'll be right back.